मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और इस टाइम सुबह सुबह का टाइम है, ब्लॉग शूट हो रहा है। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और हमारा समय तो स्टार्ट होता है। अभी सो के उठा था, करीबन 6 बजे सो के उठ गया था। और सुबह सुबह देख रहे हो मौसम आज इतना मस्त किया है कि क्या बताऊँ। देखो सूरज अभी उग ही रहा है ना। मतलब कितना दिनों के बाद मैं 6 बजे सुबह में सबसे सवेरे 5 बजे उठ गया था यार, पहली बार उठा 5 बजे। लेकिन एक बात है कि 5 बजे सुबह में उठने के बाद मैं दिल इतना खुश हो जाता है ना कि क्या बताएं। लगता है कि हाँ, सवेरे उठना चाहिए। हर एक इंसान को सवेरे उठना चाहिए दोस्त। सवेरे उठने से एक चीज़ का फ़ायदा जरूर होता है अपने जीवन में कि आपको नया नया ताज़ा हवा मिलता है शरीर में ना, तो दिल खुश रहता है हमेशा। और आप लोग से भी एक ही बात कहना है कि सवेरे उठ जाया करो। प्लस मैं जानता हूँ यहाँ पर क्या दिक्कत है, गाड़ी मोटर जाना करता है ना, थोड़ा सा उसका आवाज़ आएगा, थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेना यार। अब देख लो, ये हमारे घर है, हमारे घर में ये एक मेहमान आए हैं। ये देखो क्या नाम है जी? हमारा नाम पागल पुकार। ये देखो अभी ठंडा से भी उठी ना बेचारी, कंबल से, लेकिन उठ गई सबसे पहले। खाना वाना बना दिया है, ये मेरा खाना वाना रेडी हो गया, सब्जी वब्जी बन गया है मेरा, और ये मेरा रोटी रेडी हो गया है। दे देना, दे दो। बागड़ बिल्ला है, ये हमारा प्रदीप है जो हमारा तो साला लगता है। बस सुबह मतलब जो होता है ना दोस्त, इतना सवेरे उठते नहीं थे। ये मेरा साला जो आया साथ में, तो इसके वजह से थोड़ा सवेरे उठना पड़ता है, क्योंकि सवेरे उठ के ड्यूटी जाता है भी, इसका भी काम लगा दिए दोस्त साथ में। तो हमारे कंपनी में नहीं है, तो कंपनी से बाहर है। तो मैंने कहा कि भाई घर बैठे रहने से अच्छा है कि दो पैसे कमा लिया जाए, तो मैंने इसको काम लगा दिया तत्काल के लिए, और काम कर रहा है अभी। और सुबह सुबह यार समझते हो ना, इतना सवेरे उठने का तो मन नहीं करता है, लेकिन ठंड का मौसम है और उठना तो पड़ेगा, क्योंकि भाई ज़िंदगी ऐसे नहीं कटेगी। दो पैसे रोटी कमाने के लिए भी, पेट भरने के लिए भी कमाना पड़ता है। कमाया हुआ पैसा दोस्त हम दे देते हैं इसके हाथ में। कहाँ है तभी 10 रुपया देने में इसका हाथ दर्द करता है, बताओ क्या बताए सकते हैं। इसको चाय तो बना ही दो, अब टाइम अभी है, जल्दी आइए पर दे दो। हां 10 रुपया देने में ध्यान उधर हो गया बेचारी को, अब क्या बता सकते हैं। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? मस्त होंगे। सुबह सुबह उठ करके क्या डालने के लिए बोले, डब्ल्यू डालेगी नहीं, खाली शूट करके रख लेगी। अभी तो एडिट करना तो आता नहीं है, हमारा पास टाइम उतना बचता नहीं दोस्त, हम क्या करेंगे। जितना टाइम मेरे पास होता है उसके अवेलेबल जानते हो, हम के बताऊं तो मैं अपना वीडियो, मेरा इस मोबाइल का जितना भी वीडियो होता है दोस्त, मैं खुद से शूट करता हूं। तो मैं मेरा कंपनी में जो मेरे को 10 मिनट टाइम मिलता है ना दोस्त, 10 मिनट उस टाइम को मैं अपने वीडियो में लगा देता हूँ। दूसरे कंपनी में काम करूँ ना दोस्त, मोबाइल एडिटिंग करना तो दूर की बात है, मोबाइल पॉकेट से निकाल नहीं सकते ज़्यादा देर। मान लो 5 मिनट या 2 मिनट निकालोगे तो फिर काम पे लगना पड़ता है, तो हमेशा मोबाइल चला नहीं सकते। लेकिन इस कंपनी में हमको थोड़ा सा एक फ़ायदा होता है, इस कंपनी में होता क्या है कि मैं जब भी चाहूँ कभी भी मैं वीडियो को एडिट कर सकता हूँ दोस्त, 10 मिनट। ऐसे मेरी नाइट, अब आज शिफ्ट नाइट की लग जाएगी, डे ड्यूटी करने के बाद मेरी नाइट लगेगी। अब मैं चाहूँ मैं वीडियो शूट करके मैं उसको क्या करूँगा, एडिट कर लूँगा। मेरा एडवांस में ऐड रहेगा, हर एक चीज़ रेडी करके मैं परफेक्ट तरीक़े से रख लूँगा, उसके बाद फिर आप लोगों को उसको वीडियो सुबह पब्लिक करता हूँ। और कल भी बताता हूँ दोस्त, कल भी मैंने जो वीडियो शूट किया है ना, वो मैंने रास्ते में आने जाने का जो शूट किया है, उस वीडियो को मैंने एडिट करके दोस्त अभी ही पहले ही रख लिया है, और वो कंपनी में ही एडिट कर लिया था मैंने। इसलिए हेडफोन रखता हूँ लीड का, फटा वाला जो मेरे पास है, उसे मैं कान में लगा करके आराम से एडिट कर लेता हूँ। कहीं भी रहूँ तो मैं एडिट कर लेता हूँ। ऐसे मैं अगर बाहर रहूँगा, जैसे कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस टाइम अगर मैं वीडियो एडिट करूँ दोस्त, मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम फिर आवाज़ ही नहीं मिलेगी कि हमने क्या बोला है वीडियो में, क्या काटना है नहीं काटना है, वो चीज़ अगर नहीं सुनाई देगी तो मैं वीडियो एडिट नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मेरे को है ना होना करना पड़ता है कि मेरे को हेडफोन लगा करके मैं कहीं भी रहूँ, कंपनी भी रहूँ, चाहे गेट के बाहर रहूँ, कहीं भी रहूँगा तो मैं आराम से वीडियो को एडिट करके मैं तैयार कर लेता हूँ। और घर की वीडियो रहो, जब मैं मुझे छुट्टी मिलती है दोस्त कंपनी से 10 मिनट के लिए, तो मैं घर आकर के वीडियो को एडिट जरूर कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी भी वीडियो को एडिट करना पड़ता है मुझे ही। 10 मिनट के लिए मैंने इस वीडियो को शूट किया था, क्योंकि मेरे पास में अवेलेबल उतना टाइम नहीं है,
और जब मेरे पास टाइम होता है तो मैं अच्छा से वीडियो शूट करता हूँ। और मेरा टाइम ख़त्म होने वाला है क्योंकि मेरे को ड्यूटी जाने का टाइम हो गया मेरा, और जितना ज़्यादा कोशिश करूँगा कि मैं जितना जल्दी हो सके मैं अपना सारा काम ख़त्म करके मैं फिर अपनी ड्यूटी में चला जाऊँ। तो मैंने अभी तक खाना नहीं खाया दोस्त, क्योंकि 8 बजे तक आपको पता है कंपनी में अगर वह एंट्री हो गए तो फिर 1 बजे से पहले खाना नहीं मिलेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा खाना वाना खा लूँगा फिर आप लोगों से मिलेंगे। और एक चीज़, हाँ, आप लोगों सुबह सुबह का हम नज़ारा थोड़ा सा दिखाना भूल गए हैं, तो चलिए गुड मॉर्निंग का आपको एक नज़ारा दिखाना मेरा तो बनता है। शुरुआत होता है तो हमारी वीडियो बस थोड़ा सा ऐसी कुछ टाइप की मैंने आपको दिखाया कि सुबह सुबह का नज़ारा हमारे छत पर से कैसा लगता है देखने में, आपने देख लिया। तो देखिए ज़्यादा कुछ नहीं आप लोगों से कहना चाहते हैं और आपसे एक बात छोटा सा बोलना चाहते हैं दोस्त। आपने एक छोटा सा कमेंट, हमारा एक आया था सब्सक्राइबर हैं हमारे, उन्होंने ना मुझे कमेंट किया था कि UPI मेंटेन करना, ठीक है। तो मैंने UPI मेंटेन किया था अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो मुझसे गलती हो गई है क्योंकि मेरा जो UPI चेंज मैंने कर दिया था ना, तो मेरा पहले वाला UPI जो था वही मैंने मेंशन कर दिया, तो उसके वजह से दिक्कत आ सकती है। तो माफ़ करना दोस्त, देखो हम लोग भी हम लोग ज़्यादा हाईफाई परिवार से बिलोंग नहीं करते हैं, जो क्लियर करते हैं आपसे साफ साफ कहना हमारा शब्द होता है। हम लोग इतना नहीं कि हम आधा बात बोलें आधा हवा में उड़ा देंगे, छोटा सा मतलब उल्टा सीधा हम नहीं बोलते हैं कभी, जो बात बोलते हैं क्लियर आप लोगों से बोलते हैं, साफ सुथरा बोलते हैं। तो दोस्त किसी और से बातें बोलना हमें पसंद नहीं है, हमें किसी उल्टा पुल्टा बोलना, किसी का कॉन्ट्रोवर्सी में चलना ये मुझे पसंद भी नहीं है, शुरुआत से नहीं रहा है। बात रही हमारी, देखो हम तो ऐसे परेशान हैं दोस्त अपने ज़िंदगी को लेकर के, हम दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे, अपने पेट के बारे में सोचने में आफत हो जाती है, यहाँ अपने बारे में सोचने का इतना वक्त नहीं है। तो कभी कभी दोस्त ऐसा ऐसा माहौल हो जाता है ना हमारे दिल से, कभी कभी ऐसा वक्त हो जाता है हमारे साथ बीतने लगता है कभी कभी जीवन में कि हम जो जो सोचना नहीं भी चाहते हैं ना वो भी हमारे साथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन वक्त ऐसा है दोस्त कि हम चाहते नहीं अपनी ज़िंदगी में ऐसा काम करना, लेकिन क्योंकि है ना मजबूरी दोस्त करवा देता है यार। हम जैसे परिवार में अपना साथ में रहना चाहते थे, हमारा परिवार हमारे साथ नहीं रहना चाहता है, तो हम उससे थोड़ा दूर हट के रहना पड़ता है, क्या करें। बल्कि हमारे परिवार में सब अच्छे हैं, हमारा 2 भाई है, हम 3 भाई हो जाएंगे, एक मेरी माँ है वो भी है, पापा नहीं है बचपन से, तो हम पापा के बिना ही रहे हैं, पले बड़े हैं हम लोग अपने साथ में। तो अपने साथ में जो भी अपना भाई था, हमने भी अपने भाई को बहुत प्यार किया था शुरुआत से, बहुत अच्छा प्यार करता हूँ यार अपने परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो आज मेरा मम्मी पापा मम्मी नहीं है, भाई ने भी ठुकरा दिया है, तो हमें थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन क्या करें, जब अब तब तक हम अपने ज़िंदगी में वापस नहीं जा सकते दोस्त, जब तक हम अपने ज़िंदगी में कुछ कर नहीं लगते, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते। तो हम खैर इनके बात तो हम आगे आपसे कर लेंगे, अभी हम इसके बारे में टॉपिक में बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि जो आपको पता है कि हम इस बारे में अगर टॉपिक छेड़ेंगे तो करीबन 1-1.5 घंटे के ब्लॉग बन जाएंगे। तो हम कभी कभी फुर्सत में बैठेंगे तब आपसे मिलेंगे। तो चलिए पहले खाना वाना खा लेते हैं दोस्त, क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया है और हमारा ड्यूटी जाने का भी टाइम हो रहा है। तो चलिए पहले चलते हैं, खाना वाना खा के ड्यूटी चलते हैं। तो दोस्त मेरा टाइम हो गया अब ड्यूटी जाने का, मैं अब निकल गया घर से, क्योंकि हमारा टाइम तो अवेलेबल होता है आपको पता ही होगा, ज़्यादा टाइम नहीं थोड़ा सा टाइम मिलता है आप लोगों से बात करने का, खासकर ज़्यादा समय हमारा बीतता है पता है कंपनी में, और इंटरनेट पर बहुत कम टाइम मिलता है। कोशिश करते हैं कि भाई आप लोगों के साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, लेकिन टाइम स्पेंड कर नहीं पाते हैं क्योंकि अवेलेबल टाइम उतना ही मिलता है जितना आप लोग दे पाते हैं। और थोड़ा सा एक चीज़ हो जाता है कि सवेरे उठ करके थोड़ा सा है ना आप लोगों से बात कर लेते, थोड़ा दिल अच्छा लग जाता है, टाइम तो थोड़ा सा ही मिलता है, तो क्या करें यार आप लोगों से। तो सुबह से ये बारिश पड़ के ना पूरा रास्ता किचड़ किचड़ कर देता है ना, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, किच 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 किच, साफ़ सुथरा रास्ता रहे तो सारा अच्छा भी लगता है। बारिश पड़ गया तो 3 दिन पहले इतना बारिश पड़ा बगल वाला पादरा बता रास्ते जाते जाते वो इसको पता नहीं कि वीडियो शूट हो रही है गजब भाई क्या क्या हुआ, रास्ता कुछ ना कुछ दिक्कत है
ये भी होगा। बस सुबह सुबह है ना, सुबह और शाम थोड़ा सा ज़्यादा ठंड लगती है बस, क्योंकि सब दोपहर का जैसे धूप हो गई फिर थोड़ा गर्माहट आना शुरू हो जाएगा, फिर गर्मी लगना शुरू हो जाती है। बस सुबह सुबह ठंड लगती है यार, अभी भी हाँ तो एकदम ठंडा बर्फ से हो रहा है, वीडियो शूट कर रहा हूँ तो, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा आप लोगों से यही टाइम मिल रहा था, आप लोगों से बोलने का तो बोल दे रहे हैं, नहीं तो फिर मैंने सोचो हो जाएगा पूरा। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम में, क्योंकि आप कंपनी पहुँचने वाले हैं, हमारे कंपनी बहुत नज़दीक में पड़ता है, 10 कदम बस 2 मिनट का रास्ता पड़ता है कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी छोड़ते नहीं हैं दोस्त, क्योंकि बगल में ही कंपनी है, सारा काम मेरा यहाँ से हो जाता है, और हो सकता है मेरा आज नाइट शिफ्ट हो तो थोड़ा दिक्कत आ सकती है, ऐसे तो कन्फर्म है, कल ही बोल दिया गया था हम लोगों को कि कल नाइट लगाएंगे, तो यार 4-5 नाइट लग जाता है ना महीना में, तो ये भी अच्छा हो जाता है, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाता है, टाइम का टाइम भी बच जाता है, काम का काम भी हो जाता है, वीडियो भी शूट हो जाता है, अन्यथा मैं हमारे पास उतना टाइम भी नहीं मिल पाएगा फिर, ना ही वीडियो शूट करने का, ना ही एक्स्ट्रा और काम करने का। तो चलिए ज़्यादा कुछ नहीं, पहुँचते हैं अपने कंपनी और काम को स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं ताव लगता है कंपनी का, आया ताव, आ जा तुम्हारे वेट कर रहे हैं, कहाँ जाओगे, IMT जाओगे कहाँ? ओहो IMT जा रहा सबके सब।